तो सभी लोग का वेलकम बैक हो गया मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ अपने बोर्ड का पहले एग्जाम यानी हिंदी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा तो होने वाला है नहीं क्योंकि एग्जाम है, तो एग्जाम पे फोकस करेंगे और वीडियो पे कम, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो हर सब्जेक्ट का वीडियो पॉसिबल हो और मैं डाल सकूँ। तो अभी बज रहा है दोपहर का एक और आज 18 फरवरी, तो मेरे पास अभी 3 दिन है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि हम लोग अभी जितना हिंदी का ग्रामर वाला सेक्शन है अभी वो करते हैं सैम्पल से, और जितना भी राइटिंग स्किल है, जितना लेटर ये सब है, तो वो रात में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमेशा की तरह ये गंदा था तो पहले इसे पहले साफ करते हैं अच्छे से। तो यार ये पूरा साफ हो चुका है, तो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। तो वैसे है इसमें 10 सैंपल और 3 बना चुके हैं, तो आज दो बनाएंगे और आगे देखते हैं रात में ये लोग दोनों का लेटर ये सब कर लेंगे। तो पहला सैंपल पेपर में 5 out of 5 मिला है वाच्य में, तो देखते हैं अब क्या है इसमें। पद परिचय में कितना नंबर आता। तो यार अभी रात हो चुका है, तो अब प्रैक्टिस करते लेटर और ऐसे ये सब, और देखते हैं कितना मार्क्स हम लोग इसमें ले पाते खुद से। तो जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो CBSE बोर्ड क्लास 10 हिंदी एग्ज़ाम का सेट 1 है, और ये रहा क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यार हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, तो क्वेश्चन तो इजी नहीं बोलेंगे, मीडियम था, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन अपठित गद्यांश में ज़्यादा टाइम लग गया, 1 आवर्स मुझे उसी में लगा, क्योंकि सारे आंसर सेम लग रहे थे और लग रहा था कि सारा सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था कि वो सही होगा मैंने उसी को टिक किया है। तो देखते कितना नंबर आता है, बाकी एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया है। आज वेदर भी बहुत अच्छा किया, बादल अच्छे से दिख रहा है, आई होप कि वेदर ऐसे ही रहा और लोगों की तरह ये चेंज ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्द और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।